पीसीबी क्या है? पीसीबी का अल्टीमेट गाइड एन अल्टीमेट चैनल टू लर्न पीसीबी डिजाइनिंग माय पीसीबी डिजाइनर। व्हाट इज पीसीबी? पीसीबी क्या है? पीसीबी को प्रिंटिंग वायरिंग बोर्ड या अटैच्ड वायरिंग बोर्ड ईडब्ल्यूबी के रूप में भी जाना जाता है। एक प्रिंटेड सर्किट बोर्ड एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है जिसका उपयोग उपकरणों में किया जाता है ताकि मैकेनिकल सपोर्ट और इसके इलेक्ट्रॉनिक घटकों को मार्ग प्रदान किया जा सके। यह नॉन कंडक्टिव मटेरियल है जैसे फाइबर ग्लास या प्लास्टिक की विभिन्न सीटों को मिलाकर बनाया जाता है जो आसानी से तांबे के सर्किट को होल्ड करता है। पीसीबी एक कॉपर लेमिनेटेड और नॉन कंडक्टिव प्रिंटेड सर्किट बोर्ड है जिसमें सभी इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट एक कॉमन बोर्ड में एक साथ जुड़े होते हैं जिसमें बोर्ड के बेस के साथ सभी कंपोनेंट्स के लिए फिजिकल सपोर्ट होता है। जब पीसीबी विकसित नहीं हुआ था उस समय सभी कंपोनेंट एक तार से जुड़े होते हैं जो जटिलता को बढ़ाते हैं और सर्किट की विश्वसनीयता कम हो जाती है। इस तरह से हम मदरबोर्ड की तरह बहुत बड़े सर्किट नहीं बना सकते हैं। पीसीबी में सभी कंपोनेंट तारों के बिना जुड़े होते हैं। सभी कंपोनेंट आंतरिक रूप से जुड़े हुए होते हैं इसलिए यह समग्र सर्किट डिजाइन की जटिलता को कम करता है। पीसीबी का उपयोग कंपोनेंट के बीच बिजली और कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए किया जाता है जिसके द्वारा यह डिजाइन किए गए तरीके से कार्य करता है। पीसीबी यूजर्स आवश्यकताओं के अनुसार किसी भी स्पेसिफिकेशन के लिए कस्टमाइज किया जा सकता है। यह कई इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों में पाया जाता है जैसे टीवी, मोबाइल, डिजिटल कैमरा, कंप्यूटर पार्ट्स जैसे ग्राफिक कार्ड मदरबोर्ड इत्यादि। इसके साथ ही कई क्षेत्रों में इसका उपयोग भी किया जाता है जैसे चिकित्सा उपकरण, औद्योगिक मशीनरी, मोटर वाहन उपयोग, प्रकाश व्यवस्था आदि। दोस्तों अब बात करते हैं पीसीबी कितने प्रकार के होते हैं। टाइप्स ऑफ पीसीबी, फर्स्ट हो गया सिंगल लेयर पीसीबी, सेकंड डबल लेयर पीसीबी, थर्ड मल्टी लेयर पीसीबी, फोर्थ फ्लेक्सिबल लेयर पीसीबी, फिफ्थ रिजिड पीसीबी एंड सिक्स फ्लेक्स रिजिड पीसीबी। सिंगल लेयर पीसीबी के बारे में अब जान लेते हैं। सिंगल लेयर पीसीबी को सिंगल साइडेड पीसीबी के रूप में भी जाना जाता है। इस प्रकार का पीसीबी सरल और सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला पीसीबी है क्योंकि यह पीसीबी डिजाइन और निर्माण के लिए आसान होते हैं। इस पीसीबी की एक साइड किसी भी कंडक्टिंग मटेरियल की एक लेयर के साथ लेपी जाती है होती है। आमतौर पर तांबे का उपयोग पीसीबी के लिए कनेक्टिंग मटेरियल के रूप में किया जाता है क्योंकि तांबे में बहुत अच्छा कनेक्टिंग कैरेक्टरिस्टिक होता है। पीसीबी पर सभी कंपोनेंट को मार्क करने के लिए सिल्क स्क्रीन के बाद ऑक्सीकरण के खिलाफ पीसीबी की रक्षा के लिए मिलाप मास्क की एक लेयर का उपयोग किया जाता है। इस प्रकार के पीसीबी में पीसीबी के केवल एक तरफ का उपयोग विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रॉनिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट जैसे रेसिस्टर, कैपेसिटर, इंस्ट्रक्टर आदि को जोड़ने के लिए किया जाता है। इन घटकों को सोल्डर किया जाता है। इन पीसीबी का उपयोग कम लागत और कैलकुलेटर, रेडियो, प्रिंटर और सॉलिड स्टेट ड्राइव जैसे बल्ब मैन्युफैक्चरिंग एप्लीकेशन में किया जाता है।
सिंगल लेयर पीसीबी का डिजाइन। सबसे ऊपर होता है सोल्डर मास्क जो कि हरा कलर का होता है, उसके नीचे सर्किट कॉपर लेयर एंड सबसे लास्ट डाइलेक्ट्रिक लेयर। डबल लेयर पीसीबी। डबल लेयर पीसीबी को डबल साइडेड पीसीबी के रूप में भी जाना जाता है, जैसे कि नाम से पता चलता है। इस प्रकार के पीसीबी में कंडक्टिंग मटेरियल की एक पतली लेयर जैसे तांबे को बोर्ड के ऊपर और नीचे दोनों तरफ लगाया जाता है। पीसीबी में बोर्ड की अलग अलग लेयर पर के माध्यम से मिलकर बनता है, जिसमें अलग अलग परतों पर संबंधित स्थिति में दो पैड होते हैं। यह इलेक्ट्रिकली बोर्ड के माध्यम से एक छेद से जुड़े होते हैं, जिसे आकृति में दिखाया गया है। अधिक लचीला अपेक्षाकृति कम लागत और पीसीबी बोर्ड के इस प्रकार का सबसे महत्वपूर्ण लाभ इसका छोटा आकार है, जो सर्किट को कॉम्पैक्ट बनाता है। इस प्रकार के पीसीबी का उपयोग ज़्यादातर औद्योगिक नियंत्रण कन्वर्टर यूपीएस सिस्टम एचवीएसी एप्लीकेशन फोन एम्पलीफायर और पावर मॉनिटरिंग सिस्टम में किया जाता है। डबल लेयर पीसीबी की डिज़ाइन आप देख सकते हैं। अब बात करते हैं मल्टी लेयर पीसीबी। मल्टी लेयर पीसीबी में दो से अधिक लेयर होते हैं। इसका मतलब है कि इस प्रकार के पीसीबी में तांबे की कम से कम तीन कंडक्टिंग लेयर होती है। बोर्ड को सुरक्षित करने के लिए गोंद को इंसुलेशन की लेयर के बीच सैंडविच किया जाता है, जो यह सुनिश्चित करता है कि अतिरिक्त गर्मी सर्किट के किसी भी कंपोनेंट को नुकसान नहीं पहुंचाएंगी। इस प्रकार की पीसीबी डिजाइनिंग बहुत जटिल है और बहुत कम जगह और कॉम्पैक्ट सर्किट में बहुत जटिल और बड़े विद्युत कार में उपयोग की जाती है। इस प्रकार के पीसीबी का उपयोग जीपीएस तकनीक, उपग्रह प्रणाली, चिकित्सा उपकरण, फाइल सर्वर और डेटा स्टोरेज जैसे बड़े एप्लीकेशन में किया जाता है। दोस्तों मल्टी लेयर पीसीबी की आप डिजाइनिंग अब देख सकते हैं। अब बात करते हैं नंबर फोर फ्लेक्सिबल पीसीबी की। फ्लेक्सिबल पीसीबी को फ्लेक्स सर्किट के रूप में भी जाना जाता है। इस तरह के पीसीबी में पॉलीमाइड पीक या ट्रांसपेरेंट कंडक्टिव पॉलिएस्टर फिल्म जैसी लचीली प्लास्टिक मटेरियल का उपयोग किया जाता है। सर्किट बोर्ड आमतौर पर फोल्ड या ट्विस्टेड होते हैं। यह बहुत जटिल प्रकार का पीसीबी है और इसमें सिंगल साइडेड फ्लेक्स सर्किट, डबल साइडेड फ्लेक्स सर्किट और मल्टी साइडेड फ्लेक्स सर्किट जैसी अलग अलग लेयर होती हैं। फ्लेक्स सर्किट का इस्तेमाल ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड एलिसाइड फैब्रिकेशन फ्लेक्स सोलर सेल ऑटोमेटिव इंडस्ट्रीज सेल्यूलर टेलीफोन कैमरा और कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जैसे लैपटॉप में किया जाता है। इसका डिजाइन आप देख सकते हैं। रिजिड पीसीबी सॉलिड मटेरियल से बने होते हैं, जो पीसीबी को ट्विस्ट होने से रोकते हैं। रिजिड पीसीबी का उदाहरण कंप्यूटर मदरबोर्ड है। फ्लेक्स पीसीबी के रूप में समान रिजिड पीसीबी में सिंगल लेयर, डबल लेयर और मल्टी लेयर रिजिड पीसीबी जैसे अलग अलग लेयर कॉन्फ़िगरेशन है। इंस्टॉलेशन के बाद इस पीसीबी का आकार नहीं बदलता। इस पीसीबी को आकार के अनुसार नहीं झुकाया जा सकता, आधार के आकार के अनुसार नहीं झुकाया जा सकता, इसलिए इस पीसीबी को रिजिड पीसीबी के रूप में जाना जाता है। इस प्रकार के पीसीबी का जीवनशीलता बहुत अधिक होता है, इसलिए इसका उपयोग कंप्यूटर के कई हिस्से जैसे रैम, जीपीयू और सीपीयू में किया जाता है। डिजाइन में सरल और सबसे अधिक उपयोग किया जाता है और अधिकांश निर्माण पीसीबी सिंगल साइड रिजिड पीसीबी है। मल्टी लेयर रिजिड पीसीबी 9-10 लेयर्स वाले अधिक कॉम्पैक्ट हो सकते हैं।
या प्रीजेट पीसीबी का डिज़ाइन दे सकते हैं। अब बात करते हैं 6 नंबर, फ्लैक्स रिजिड पीसीबी। फ्लेक्सिबल सर्किट और रिजिड सर्किट के संयोजन से बना सबसे महत्वपूर्ण बोर्ड है फ्लैक्स रिजिड बोर्ड। में कई लचीला पीसीबी की कई लेयर्स होती हैं जो कई रिजिड पीसीबी लेयर से जुड़ी होती हैं। फ्लैक्स रिजिड बोर्ड जैसे कि चित्र में दिखाया गया है, इसका उपयोग सेलफोन, डिजिटल कैमरा और ऑटोमोबाइल आदि में किया जाता है। टाइप्स ऑफ पीसीबी अकॉर्डिंग टू माउंटिंग सिस्टम। फर्स्ट हो गया थ्रो होल पीसीबी एंड सेकंड सरफेस माउंटेड पीसीबी। अब बात करते हैं थ्रो होल पीसीबी की। इस प्रकार के पीसीबी में हमें पीसीबी पर डील का उपयोग करके छेद बनाना होता है। इस छेदों में कंपोनेंट के लीड पीसीबी के विपरीत दिशा में स्थित पैड्स पर चढ़े और सोल्डर किए जाते हैं। यह तकनीक सबसे उपयोगी है क्योंकि यह इलेक्ट्रॉनिकल कंपोनेंट को अधिक मैकेनिकल सपोर्ट देते हैं और कंपोनेंट के माउंटिंग के लिए बहुत विश्वसनीय तकनीक है। लेकिन पीसीबी में अधिक ड्रिलिंग इसे और अधिक महंगा बनाती है। सिंगल लेयर पीसीबी में इस माउंटिंग टेक्नोलॉजी को लागू किया करना आसान है, लेकिन डबल लेयर और मल्टी लेयर पीसीबी मैकिंग होल के मामले में ज्यादा मुश्किल है। सेकेंड नंबर माउंट सरफेस माउंटेड पीसीबी। इस प्रकार के पीसीबी में कंपोनेंट आकार में छोटे होते हैं क्योंकि इन कंपोनेंट में बहुत कम शीशा होता है या बोर्ड पर माउंट करने के लिए किसी लीड की आवश्यकता नहीं होती है। यहाँ इस तकनीक में SMD घटकों को सीधे बोर्ड की सतह पर रखा जाता है और बोर्ड पर छेद बनाने की आवश्यकता नहीं होती है। यह दोस्तों है सरफेस माउंटेड पीसीबी का स्ट्रक्चर। डिफरेंट पार्ट्स ऑफ पीसीबी। फर्स्ट हो गया पैड। पैड और कुछ नहीं बल्कि तांबे का एक टुकड़ा है जिस पर कंपोनेंट के लीड लगे होते हैं और जिस पर सोल्डरिंग किया जाता है। पैड कंपोनेंट को मैकेनिकल सहायता प्रदान करता है। एंड सेकेंड ट्रेस। पीसीबी में कंपोनेंट को वायर की मदद से नहीं जोड़ा जा सकता है। सभी कंपोनेंट एक कंडक्टिंग मटेरियल जैसे तांबे से कनेक्ट होते हैं। पीसीबी का यह कॉपर पार्ट जो सभी कंपोनेंट को जोड़ने के लिए उपयोग किया जाता है, जिसे ट्रेस के रूप में भी जाना जाता है। थर्ड लेयर एप्लीकेशन लागत और उपलब्ध स्थान के अनुसार यूजर पीसीबी की लेयर चुन सकता है। निर्माण में सबसे सरल डिजाइन करने में आसान और नियमित लाइफ में सबसे उपयोगी है सिंगल लेयर पीसीबी। लेकिन बहुत बड़े और जटिल सर्किट के लिए सिंगल लेयर पीसीबी को तुलना में डबल लेयर पीसीबी या मल्टी लेयर पीसीबी को सबसे ज़्यादा पसंद किया जाता है। अब एक दिन मल्टी लेयर पीसीबी में 10 से 12 लेयर को कनेक्ट किया जा सकता है और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अलग अलग लेयर में कॉम्पोनेंट के बीच कम्युनिकेशन किया जाएगा। फोर्थ सिल्क लेयर। सिल्क लेयर का उपयोग पीसीबी की सरफेस पर प्रिंटेड लाइन टेक्स्ट या किसी भी आर्ट्स के लिए किया जाता है। आमतौर पर स्क्रीन प्रिंटिंग के लिए इपॉक्सी स्याही का उपयोग किया जाता है। सिल्क लेयर को यूजर की आवश्यकता के अनुसार पीसीबी के ऊपर और या नीचे में इस्तेमाल किया जाता है, जिसे सिल्क स्क्रीन टॉप TOP और सिल्क स्क्रीन बॉटम के रूप में जाना जाता है। डिफरेंट पार्ट्स ऑफ पीसीबी का स्ट्रक्चर देख लीजिएगा। पीसीबी मटेरियल। मुख्य एलिमेंट डाइलेक्ट्रॉनिक सबस्ट्रेट है जो कठोर या लचीला होता है। इस डाइलेक्ट्रॉनिक सबस्ट्रेट का उपयोग उस पर तांबे जैसे कनेक्टिव मटेरियल के साथ किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक सबस्ट्रेट के रूप में ग्लास, एपोक्सी लेमिनेट्स या मिश्रित मटेरियल का उपयोग किया जाता है।
फर्स्ट हो गया FRP। FR का मतलब फायर रिटार्डेंट है। सभी प्रकार के पीसीबी निर्माण के लिए सबसे आम ग्लास लेमिनेटिंग मटेरियल FRP है। बने हुए ग्लास एपॉक्सी कंपाउंड के आधार पर FRP एक कंपोजिट मटेरियल है जो सबसे उपयोगी है क्योंकि यह बहुत अच्छी मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रदान करता है। सेकेंड FR1 और FR2। यह मटेरियल पेपर और फिनोल कंपाउंड से बनाया जाता है और इस मटेरियल का उपयोग केवल सिंगल लेयर पीसीबी के लिए किया जाता है। FR1 और FR2 दोनों में समान विशेषता है, केवल अंतर ग्लास ट्रांजिशन तापमान में है। FR2 की तुलना में उच्च ग्लास ट्रांजिशन तापमान है। इस मटेरियल को सटर्ड हलोजन फ्री और नॉन हाइड्रोफोबिक में विभाजित किया जाता है। पीसीबी डिजाइन सॉफ्टवेयर थर्ड है EZ-EDA। EZ-EDA एक सॉफ्टवेयर है जो सर्किट डिजाइन और सिमुलेट करने के लिए उपयोग किया जाता है। यह सॉफ्टवेयर नेक्स पीस और पीसीबी लेआउट पर आधारित योजनाबद्ध कैप्चर स्पाइस सर्किट सिमुलेशन के लिए एक इंटीग्रेट टूल है। इस सॉफ्टवेयर का सबसे महत्वपूर्ण लाभ यह है कि यह वेब सॉफ्टवेयर है और ब्राउजर विंडो में उपयोग किया जाता है। वेब बेस्ड सॉफ्टवेयर है ये। फोर्थ हो गया LTM डिजाइनर। यह सॉफ्टवेयर ऑस्ट्रेलियाई सॉफ्टवेयर कंपनी LTM लिमिटेड द्वारा विकसित किया गया है। इस सॉफ्टवेयर की मुख्य विशेषता योजनाबद्ध कैप्चर 3D PCB डिजाइन FPGA डेवलपमेंट और रिलीज डेटा मैनेजमेंट है। यह पहला सॉफ्टवेयर है जो PCB एडिटर से सीधे 3D विजुअलाइजेशन और PCB के निकासी की जांच की पेशकश करता है। फिफ्थ KiCad। यह सॉफ्टवेयर जिन पियर वर्ड द्वारा विकसित किया गया है जिन पियर वर्ड द्वारा वर्ण द्वारा विकसित किया गया है। इस सॉफ्टवेयर में टूल्स है जो BOM बीम ऑफ मटेरियल कलाकृति और PCB के 3D व्यू के साथ साथ सर्किट में इस्तेमाल होने वाले सभी कंपोनेंट्स को बना सकते हैं। इस सॉफ्टवेयर की लाइब्रेरी में कई कंपोनेंट उपलब्ध हैं और जैसे सुविधा है कि यूजर्स अपने कस्टम कंपोनेंट को जोड़ सकते हैं। यह सॉफ्टवेयर कई लैंग्वेज को सपोर्ट करता है। सिक्स्थ हो गया प्रोटीज, सेवन्थ हो गया ऑर्कैड एंड एट हो गया CAM 350। थैंक यू फ्रेंड्स, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय PCB डिज़ाइनर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।